जय माता दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्यौहार उपाय चैनल में। दोस्तों करवा चौथ के व्रत के बाद आता है अहोई अष्टमी का व्रत। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने संतान की लंबी उम्र, उनकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। जो भी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं उनको कुछ खास नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इन नियमों को जानने के बाद अगर आप इस व्रत को करती हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। दरअसल किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने के कुछ खास नियम होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब नियमों के बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नियम के अनुसार आपको अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार के अनाज जरूर रखने हैं। अगर आपके पास 7 प्रकार के अनाज नहीं है तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, लेकिन वो 7 की मात्रा में होने चाहिए, यानी 7 दाने गेहूं या फिर 7 दाने चावल। ये अनाज लेकर के ही आप अहोई माता की पूजा करें, कथा सुने, तभी आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। दूसरे नियम के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश भगवान की पूजा के साथ करें। गणेश भगवान का नाम किसी भी पूजा में सबसे पहले लिया जाए तो वो पूजा संपूर्ण और सफल मानी जाती है। तीसरे नियम के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में ही अपनी पूजा करें। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त मैं अपने वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में आपको पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का शुभ मुहूर्त, साथ ही तारों के निकलने का समय भी मिल जाएगा। वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चौथे नियम के अनुसार किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। ना सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाएं बल्कि इस दिन घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। पांचवें नियम के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर पूरा किया जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दिन तारे देखने से पहले कुछ भी ना खाएं। बिना तारे देखे कुछ खाने पर आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। छठे नियम के अनुसार इस दिन आपको जो भी महिला व्रत रखती है अहोई अष्टमी की, उनको किसी भी नुकीले सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, सुई का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। सातवें नियम के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन किसी भी माता को दूध का सेवन अपने व्रत के दौरान नहीं करना है। दोस्तों ये थे अहोई अष्टमी व्रत से जुड़े हुए कुछ खास नियम। इन नियमों को ध्यान में रखकर आप इस व्रत को करें, आपका व्रत सफल माना जाएगा। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। जय माता दी।